हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया सा केक चॉकलेट केक बहुत ही इजी रेसिपी है अगर आप इसे घर में बार बना लेंगे ना तो आप बाहर से केक ला के खाना छोड़ देंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी अमेजिंग और बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ यहाँ मैंने थर्टी टू पीसेस औरियो बिस्किट ले लिया है अब मैं इसे ग्राइंडर में फाइन पाउडर बना लूँगी exactly आप थर्टी टू पीसेस औरियो बिस्किट्स काउंट करके ले लें और बहुत ही फाइन पाउडर में हमें इसे ग्राइंड कर लेना है अब मैं इसमें वन कप एग्जैक्टली वन कप दूध ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध ऐड कर लेना है और इसे मिक्स कर लेना है बहुत ही हल्के हाथ से आप इसे मिक्स करें वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम रखने के लिए मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है आप इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें दो से तीन मिनट के लिए हमें इसे मिक्स करना है इसकी थिकनेस मैं आगे आपको चेक कराती हूँ कि हमें इसे कितना थिक रखना है आप इसमें एग्जैक्टली वन कप जितना दूध ऐड करें आपकी बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनेगी ये देखिए हमें इसे इतना थिक रखना है ये परफेक्ट थिकनेस है बहुत ही बढ़िया सा केक बन के रेडी होता है मिक्स कर लें आप इसे अब मैं इसमें एक छोटा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर लूँगी बेकिंग पाउडर ऐड करके आप याद रखें कि इसे आपको ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है इमिजिएटली इसे मिक्स करके आपको बेकिंग ट्रे में से ऐड करके बेक कर लेना है मैंने बेकिंग ट्रे को रेडी कर लिया था थोड़ा सा मेडा डस्ट करके हम इसे रेडी कर लेंगे और इसमें सारा ही पेस्ट ऐड करके इसे इवेंशुअली स्प्रेड आउट कर लेंगे स्प्रेड आउट करने के बाद आप इसे एक से दो बार टैप कर लें ताकि जो एयर बबल्स है वो इसमें से रिलीज हो जाए माइक्रोवेव को मैंने टू मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया है अब मैं इस पर वन एटी डिग्री सेट करके थर्टी मिनट्स के लिए इसे ब्रेक कर लूँगी अब मैं यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट चॉकलेट गनाज बना रही हूँ वो भी विदाउट चॉकलेट इसमें मैंने टू टीस्पून कोको पाउडर और वन टीस्पून स्पून कॉर्नफ्ला ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आप इसमें टू टीस्पून जितना शुगर ऐड कर लें और हाफ़ कप जितना हमें इसमें दूध ऐड कर लेना है थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके आप इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स फॉर्म नहीं हो आप इसे कंटिन्यूस अच्छे से मिक्स कर लें दूध ऐड करते हुए आप इसे मिक्स कर लें ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाना है ताकि इसमें किसी भी तरह की लम्स फॉर्म नहीं हो बहुत ही अच्छे से आप इसे मिक्स करते हुए पका लें कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाएं बहुत ही बढ़िया गनाज चॉकलेट गनाज बनके इसमें रेडी हो जाता है आप आसानी से इसे चार इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में बना सकते हैं आप इसे ज़रूर ट्राई करें कंटिन्यूस आप इसे स्टोर करते हुए लो फ्लेम पे पका लें पाँच से छः मिनट में ये बहुत ही अच्छे से थिक हो जाता है ये देखिए हमारा परफेक्ट चॉकलेट गनाच बनके रेडी हो चुका है अब हम चलते हैं हमारे केक की तरफ यहाँ मेरा केक परफेक्टली डन हो चुका है क्योंकि जो टूथपिक पिक है वो बहुत ही क्लीन बाहर आई है अब हम इसे एक कपड़े से ढक के ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद आप इसे चाकू से कॉर्नर्स को सेपरेट कर लें और इसे एक ट्रे में निकाल लें टैप कर लें पीछे से बहुत ही आसानी से केक निकल जाता है बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ़्ट केक बन के रेडी हुआ है आपकी मर्ज़ी अगर आप चाहें तो इसे राउंड फॉर्म में भी बना सकते हैं मैंने न्यू फॉर्म में बनाया है थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए अब सारा ही चॉकलेट गनाश मैं इस पर स्प्रेड आउट कर लूँगी गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज़ किया है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब की गार्निशिंग भी कर सकते हैं इसे बहुत ही खूब तरीके से आप गार्निश कर लें आप सेम टू सेम इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है अगर आपके पास वाइट चॉकलेट अवेलेबल है तो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं अब हम इसे रेफ्रिजरेट ठंडा कर लेंगे और इसे सर्व कर देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें डू सब्सक्राइब माई चैनल द शेयर याद से करें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है बेल आइकन याद से दबा दें ताकि जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है वो आपको नोटिफिकेशन में फ़ौर मिल जाए आप इसे ज़रूर ट्राई करें बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया सा केक बन के रेडी हो जाता है एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट होम मेड इज़ दी हेल्थीएस चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ टिल देन थैंक यू बाय टेक केयर अलॉट